नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चुनाव जीतने के बाद कई नेता ये भूल जाते हैं कि उन्हें जनता की सेवा करनी है, सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मेवा ही नहीं खाना। कई बार ये मेवा हजम नहीं होता। ये जनता है, जब बगावत पर आती है तो अच्छे अच्छों को हिला डालती है। ऐसे कई कामचोर नेता भी हैं जो सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय में ही दिखते हैं, बाकी पूरे साल गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही एक नेता को जनता ने पकड़ लिया, बड़े दिनों बाद नजर आए तो स्वागत भी जमकर किया गया। दरअसल बनारस की जनता ने एक निगम पार्षद को कुर्सी सौंपी और ऐसी जगह बैठाया कि जिंदगी भर याद रखे। निगम पार्षद ने सोचा भी नहीं होगा कि जो जनता उनका फूल माला डालकर स्वागत करती है वही ऐसा काम कर देगी। सीवर की समस्या को लेकर हर जतन कर चुकी जनता जब परेशान हो गई तो उन्होंने निगम पार्षद तुफैल अंसारी को ही बंधक बना लिया। आप खुद ही ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गली में सड़क कहीं खो चुकी है और सीवर के पानी ने अपना एक छत्र राज कायम किया हुआ है। इन सब के बीच कुर्सी पर शान से बैठे शख्स को भी देखिए। सीवर के गंदे पानी के बीच बैठा ये शख्स कोई चोर उचक्का नहीं बल्कि निगम पार्षद है। इसने कोई लड़की भी नहीं छेड़ी और ना ही कोई बड़ा अपराध किया है, फिर इसे बंधक क्यों बनाया जा रहा है? तो बता दें, जनता ने इनके साथ जो सलूक किया वो हैरान करने वाला जरूर है। नेताजी को सरेआम गंदे पानी में कुर्सी पर बैठा दिया गया और हाथ पांव बांध दिए गए। लोगों के इस व्यवहार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने गुस्से में होगी। यहां तक कि पार्षद मिन्नतें भी मांगता रहा पर जनता सुनने को तैयार नहीं थी। ये सलूक सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि नेताजी जनता की बात नहीं सुन रहे थे। पहले नेताजी नहीं सुन रहे थे तो जनता ने भी नेताजी की एक नहीं सुनी और क्लास लगा दी। लोगों ने ये जता दिया कि हमने आपको चुनकर सर आंखों पर बिठाया है तो जमीन पर भी ला सकते हैं। जमीन तो छोड़िए, यहाँ तो नेताजी को गंदे पानी में ही बैठा दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी वाराणसी पर यह पार्षद ग्रहण लगा रहा था और जनता ने इसके दामन पर कभी न छूटने वाला दाग लगा दिया। मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबिया मंडी इलाके का, जहाँ बीते 4 महीने से जनता परेशान थी। इलाके में सीवर का पानी भरे होने के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने निगम पार्षद से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के पास भी अर्जी लेकर पहुंचे पर सब ने अनसुना कर दिया। जब ये जनता थक गई तो उन्होंने अनोखा कदम उठाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीते 4 महीनों से लगातार सुबह और शाम सीवर का पानी गलियों में बह रहा है। स्थानीय पार्षद के अलावा नगर निगम के अफसरों से भी इसकी शिकायत की गई। कई बार पत्र लिखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले नगर निगम के अफसरों के साथ भी मजबूरी में हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। 1 महीना से ज्यादा हो गया, हमारे हर गली में हर मोहल्ले में जो है सीवर का पानी सुबह ओवर फ्लो हो जाता है और दोपहर तक ऐसे ही रहता है। और उसके नगर आयुक्त महाप्रबंधक ने कई बार कहा गया, अपने क्षेत्र के पार्षद से भी कहा गया है, लेकिन ये केवल बाधा खिलाफी कर रहे हैं। आज मजबूर हो गए हम नागरिकों ने, मतलब हम सरकार को तो नहीं लड़ सकते, हम अधिकारियों को तो नहीं मार सकते, तो अपने क्षेत्र के पार्षद को जो है पानी में उतार के हम लोगों ने बंधक बनाया है। और जब तक कि हम लोगों की अब मतलब पक्का आश्वासन नहीं मिलेगा, इसी तरह जो है तो पार्षद जी को इसी तरह यही पानी के अंदर हम लोग बंधक बनाएंगे। मतलब कि नेताजी के साथ साथ अफसरों की भी शामत आने वाली है। पूरे मामले में निगम पार्षद तुफैल अंसारी का कहना है कि दो विभागों के आपसी संबंध अच्छे नहीं होने के कारण ये परेशानी उठानी पड़ी है। तुफैल ने बताया कि जहां से सीवर लाइन गई है वहां बिजली विभाग ने पक्का निर्माण कर ट्रांसफार्मर बैठा दिया है। अब पूरा मामला दोनों अधिकारियों के पास जाएगा, तब कहीं जाकर समस्या का समाधान होगा। वैसे इस घटना से उन नेताओं को जरूर सीख लेनी चाहिए जो काम चोरी में ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।